विनाशक मंगलकर्ता बुद्धि की आराध्य देवता श्री गणेश जी का उत्सव केवल 15 दिन पर आया है। कोरोना के साए से बाहर निकलने के बाद श्री गणेश उत्सव को बड़े उत्साह से मनाने की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो गई है। शहर में गणेश मंडलों में पंडाल सजावट भरनी विभिन्न आयोजनों की प्लानिंग आदि कार्य उत्साह से किए जा रहे हैं। इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि नागपुर शहर का जिस ढंग से सर्वांगीण विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नागपुर के लोगों को एक ऐसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, हमारी बहुत सारी जो संस्कृति है उसके इसके माध्यम से लोगों को ये पहुंचाने का कार्यक्रम इस मंच से हम लोग करने वाले हैं। और हमारे मार्गदर्शक जो प्रेरणा स्रोत हैं नितिन जी गडकरी, उनकी सोच भी यही है कि शहर का विकास जरूर हो लेकिन उसके साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के मन को जोड़ने का काम। इसमें गायन का है, भजन का है, हमारी कला क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है, नृत्य भी है, नृत्य लेकिन शास्त्रीय जैसा हमारे भरतनाट्यम उस कला के हैं, महानाट्य एकाकी जैसा हमारे कई नाटक तैयार हैं महापुरुषों के, आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो हमारे क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित भी उसमें भी हम लोगों ने विवेकानंद जी के पूरे जीवन से संबंधित एक है, जिजाऊ के ऊपर से है, जिजाऊ माता के ऊपर से तैयार किया हुआ है, गोंधड़ है और साथ ही कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन में भी एक टीम बनी हुई है, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो साहित्य कला संस्कृति उसको सब जोड़ के मिश्रण उसका गीत रामायण है, राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए हम लोगों के बीच में उस ढंग से हम लोगों ने कार्यक्रम का नियोजन किया है। तो इस प्रकार से यदि संख्या की मैं अभी नहीं जाना चाहता, जितनी डिमांड होगी, जितनी भी डिमांड होगी गणेश उत्सव की उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी, और उन्होंने यदि कोई सुझाव भी दिया, हम अभी यहाँ से हम लोगों ने तैयारी की है लेकिन यदि कोई सुझाव भी आते गणेश उत्सव की इस प्रकार के कार्यक्रम में उनके पास उनका भी सहयोग मिलेगा, हमारे पास भी टीम है, तो मैं समझता हूँ कि और हमारी हमको ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे सुझाव भी आमंत्रित है लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आर्केस्ट्रा टाइप का जैसा फिल्मी कल्चर के प्रोग्राम ना हो के हमको कोई ऐसी विशेष चीज़ लोगों को प्रस्तुत करें जिससे हमारी सांस्कृतिक धरातल मजबूत, हमारी भारतीय संस्कृति को बल मिले, यही हमारी कोशिश है राष्ट्रीय।